19 मई को बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहुत खुश होकर अपने बेटे कार्तिक की तरक्की की खबर ट्विटर पर शेयर करी थी। शिवराज सिंह चौहान इसीलिए खुश थे कि उनके बेटे को अमेरिका से LLM की डिग्री मिली। बेटे की तरक्की पर शिवराज को ट्विटर पर ही कुछ लोगों ने घेर लिया। कार्तिक शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुकू FM की। सेलिब्रेट #हर घर कुकू FM के साथ। हर घर कुकू FM इसका मतलब है कि कुकू FM में एक परिवार के लिए हर तरह की ऑडियो बुक्स हैं, यानी परिवार में माँ के लिए पालन पोषण के टिप्स से जुड़ी किताबें, फिटनेस टिप्स, पिता के लिए कारोबार फाइनेंस के टिप्स और पॉलिटिकल बुक्स, और बच्चों के लिए पौराणिक कथाएं, आत्मकथाएं आदि। ऐसे नॉलेज के लिए कुकू FM हर घर में होना जरूरी है और कुकू FM चाहता है कि आपके हर फैमिली मेंबर के पास हो नॉलेज का अनलिमिटेड एक्सेस। इसीलिए हम ऑफर कर रहे हैं सालाना सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट, यानी 399 वाला सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कूपन कोड इस्तेमाल करें घर50। ये ऑफर सिर्फ 19 जून तक, जल्द कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। लोग शिवराज को उलाना देने लगे इस बात पर कि दूसरे के बच्चे को ज्ञान वापी, कुतुब मीनार और ताजमहल में उलझाकर बीजेपी वाले खुद के बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं। आपके प्रदेश के ही बच्चे रामनवमी के जुलूस में तलवार लहराते बेरोजगार देश में रहते हैं। शिवराज की बेटे वाली खुशी हर सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी की छांव पड़ गई। ये सब आज से नहीं चल रहा है, मोदी सरकार के आने के बाद से ही बेरोजगारी को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ताने कसे जा रहे हैं। 4 साल के लिए सेना में भर्ती और 18 महीनों में भारत सरकार की 10 लाख नौकरियां देने के ऐलान के बाद भी तानों की बारिश तेज है। 8 साल में तो 16 करोड़ नौकरियां आपको देना था, आप भूल गए उसको। और अब आप कह रहे हैं कि मैं 24 में, क्योंकि चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, गुजरात का, आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने? और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो समझना पड़ेगा कि अचानक क्यों सरकार को 10 लाख खाली पद भरने के लिए मिशन मोड में आना पड़ा। विपक्ष का आरोप है कि PM बनने के बाद मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। बीजेपी ने कभी नहीं माना कि ऐसा कोई कमिटमेंट था। नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि इस मुद्दे पर मोदी सरकार ऐसा कोई करिश्मा नहीं कर पाई जिससे विरोधियों के मुंह पर ताला लगे। नौकरी के सवाल पर पीएम मोदी को घेरना राहुल गांधी का फेवरेट रहा है। जब सरकार ने 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया तब राहुल गांधी घोटाले के चक्कर में ईडी के दफ्तर के चक्कर काटने में बिजी थे, लेकिन 10 लाख नौकरियों पर बोले बिना रह नहीं पाए। बोले भी क्या, ये जुमलों की नहीं महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक अभी देश में करीब 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, जबकि मोदी सरकार से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 90 करोड़ रोजगार के योग्य हैं, लेकिन 45 करोड़ नौकरी की तलाश ही छोड़ दी है। मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% था, जो अब बढ़कर 8.7 हो गया है। सेना में 2 साल से भर्ती नहीं हुई है और अब जाकर 4-4 साल के लिए 46,000 सैनिकों की भर्ती का प्लान जो है वो सरकार ने बना दिया है। रेलवे में 3 लाख, पोस्टल विभाग में 90,000 खाली पद है। संसद में सरकार के ही मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया था कि 1 मार्च 2020 तक भारत सरकार के 40 लाख पदों में से 8,72,000 पद खाली हैं। सवाल ये कि अचानक बेरोजगारी खत्म करने के अग्निपथ पर क्यों चल पड़े मोदी? क्या अचानक अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर देखकर या विपक्ष की आलोचनाओं से जागे हैं? हो सकता है ऐसा हो भी,
लेकिन बड़ी चिंता है आने वाले चुनाव। अगले साल आप गौर करें, दिसंबर 2023 तक गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव का सामना बीजेपी को भी करना है। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ही सरकार में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मुश्किल से 2 साल का समय बचा है। सरकारी नौकरी वाले प्लान की पूरी पिक्चर सामने नहीं आई है, लेकिन लग रहा है कि इसमें ट्विस्ट और टर्न अभी बहुत होंगे। ऐसा होने की उम्मीद कम है कि 10 लाख नौकरियां ऐसी मिलेंगी जिसमें 20-21 साल में नौकरी, 58-60 साल में रिटायरमेंट होगा। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छुपा नहीं पाए कि अग्निपथ योजना देश की रक्षा सुरक्षा से ज्यादा रोजगार वाले संकट से निपटने के लिए लाई गई है। अग्निपथ योजना में सिर्फ 4 साल के लिए 46,000 नौजवान सेना की ड्यूटी पर रखे जाएंगे। 4 साल बाद करीब 35,000 रिटायर हो जाएंगे। बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले 25% सैनिकों के लिए ही आगे सेना में करियर होगा। पीएमओ ने ट्विटर पर जिन 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया उसमें अग्निपथ योजना की 4 साल वाली 46,000 नौकरियां शामिल है। डिफेंस वाली माननीय रक्षा मंत्री जी ने आपको बताया कि 46,000 अग्निवीर इसी साल से शुरुआत की जाएगी प्रतिवर्ष जैसे उसको भरने की बात है। और यही नहीं, उनको पहले साल जहां 1,70,000 रुपये के लगभग शायद उन्होंने बताया होगा मिलेगा, तो चौथे साल तक उनको 6,92,000 रुपया अग्निवीर को मिलेगा और चौथे साल के बाद जब वो रिटायर करते हैं तो उनको 11 लाख रुपये के लगभग उसमें मिलेंगे। तो वो अग्निवीर वाले 46,000 हैं और कुल मिलाकर इसको 10 लाख की बनता है सर। तो इसको मिलाकर 10 लाख बन जाता है। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से बेरोजगारी का अत्याचार, चुनावों में क्या लेकर जाएगी बीजेपी? सरकार को जागना पड़ा। व्हाइट कॉलर जॉब की तुलना में चाय पकौड़े वाले रोजगार को पेश करने की दलील फेल हो चुकी है। हालांकि बीजेपी नौकरी रोजगार के सवाल पर कहीं चुनाव नहीं हारी है, लेकिन महंगाई के बीच बेरोजगारी का मिक्सचर घातक साबित हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी इस पर क्या है राय, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।